हाय फ्रेंड्स, केबी कॉमर्स नोट्स में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने जो पिछले वाला वीडियो मेरा देखा होगा, तो मैंने उसमें आप सबको ये बहुत सारे 12th कॉमर्स के बाद क्या क्या गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो उसमें ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन एसएससी था, रेलवे, सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अकाउंट असिस्टेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर्स, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो आज मैं आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन बताना चाहता हूं। पहला वाला ऑप्शन है एसएससी, मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कौन सी एग्जाम आती है सर? तो सर, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा लिस्ट बताया। सबसे पहले एसएससी आफ्टर 12th क्लास, क्या आफ्टर 12th का लेती है एग्जाम? CHSL। कौन सी एग्जाम लेती है? CHSL। CHSL एग्जाम का नाम है। उसके अंदर डिपार्टमेंट कौन से आते हैं कि अगर तो आप CHSL एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो CHSL एग्जाम पास करने के बाद आपको UDC बन सकते हो, यानी अपर डिवीजन क्लर्क बन सकते हो, LDC बन सकते हो यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकते हो, PA की जॉब आपको मिल सकती है यानी पोस्टल असिस्टेंट। PA मतलब पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे याद रखना। PA मतलब क्या होता है? पोस्टल असिस्टेंट होता है। DEO मतलब होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। क्या होता है दोस्तों? डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है। SA मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग असिस्टेंट। जो SSC आता है वो हमारे सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से आता है दोस्तों। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से। तो सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से आता है तो ये पूरी की पूरी दोस्त एग्जाम आप इंडिया के कोई भी कोने में रहते हो, जम्मू कश्मीर से लेके क्या पूरा का पूरा नीचे कन्याकुमारी तक, और यहाँ पे गुजरात से लेके मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तक, तो वो सब लोग क्या कर सकते हैं? CHSL की एग्जाम दे सकते हैं, UDC बन सकते, LDC बन सकते, PA बन सकते, DEO बन सकते और SA बन सकते। DEO मतलब होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, SA मतलब होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। डेटा एंट्री मतलब बहुत सारी क्या बोलते हैं, टाइपिंग होती है, जो फाइल आपको ऑनलाइन क्या करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है, तो वो उसका काम को हम बोलते हैं DEO का काम बोलते हैं। SA मतलब सॉर्टिंग असिस्टेंट्स का काम बोलते हैं। तो ये सब वाला काम हम क्या करते हैं? CHSL में करते। GD मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी यानी छोटी मोटी जो काम होता है स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम या पूरी की पूरी, उसमें आप कर सकते। SSC MTS की एग्जाम बहुत इजी होती है, आप थोड़ी सी मेहनत करो तो MTS की एग्जाम क्या कर सकते हो? क्लियर कर सकते हो। तो SSC MTS की एग्जाम जरूर दीजिए। मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है, बहुत सारा अलग अलग कुक होता है या क्लीनर होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी छोटी मोटी जॉब होती है, तो SSC MTS की एग्जाम दे सकते हो आप। ग्रुप C और D में स्टेनोग्राफर की भी एग्जाम क्या कर सकते हो? SSC में दे सकते हो। लास्ट ऑप्शन है ALP। ALP में आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो। लोको पायलट मतलब आप ट्रेन चला सकते हो। क्या चला सकते हो आप दोस्तों? ट्रेन चला सकते हो। जैसे कि इंडियन रेलवे आती है तो इंडियन रेलवे में आप क्या कर सकते हो? लोको पायलट बन सकते हो और क्या कर सकते हो? ट्रेन चला सकते हो। ग्रुप डी की एग्जाम में भी बहुत सारी होती है, जैसे कि कोई जगह फाटक है तो फाटक को गिराना, ऑपरेट करना पूरा का पूरा, फिर क्या बोलते हैं, जो रेलवे की पटरी होती है वो पटरी कभी उखड़ नहीं गई है, उसका काम देखने का, वो सब काम कौन सा आता है? ग्रुप डी में आता है। फिर कारपेंटर का काम आता है, फिर गाड़ी पे इंजन पे काम करने वाले के ITI स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबका काम आता है। तो वो सब काम किस में आ जाता है? ग्रुप डी का
में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये एसएससी वाली जो पूरी की पूरी थी, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, ग्रुप सी एंड डी, एएलपी एंड ग्रुप डी, तो ये पूरी की पूरी एग्जाम सेंट्रल बोर्ड लेता है, और सेंट्रल बोर्ड लेता है इस हिसाब से आपको पेंशन भी अच्छा मिलेगा, आपके आने वाले फ्यूचर के बच्चे हो उसको भी बड़ा बेनिफिट रहेगा, हस्बैंड हो उसको बेनिफिट रहता है, वाइफ बेनिफिट रहता है, पूरे परिवार को बेनिफिट रहता है गवर्नमेंट जॉब में। यूपी और बिहार, ये दो यूपी बिहार और बहुत सारे ऐसे राज्य है, खाली जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसमें सारे बच्चे एसएससी की एग्जाम जैसे ही 12वीं कॉमर्स पास कर दे वैसे ही एसएससी की एग्जाम देने का क्या कर देते वो लोग, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते। तो दोस्तों ये था हमारा एसएससी का पूरा एग्जाम का, तो यहां तक हम रखते हैं। जो नेक्स्ट वाले रेलवे में कौन सी एग्जाम आती है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रेलवे में कौन सी एग्जाम आती है, तो मैं आपको उसका सेकंड वीडियो बना दूंगा कि दोस्तों रेलवे में ये एग्जाम होती है। तब तक के लिए दोस्तों हम जाते हैं, आपसे विदा लेते हैं। लास्ट में जाते जाते दोस्तों हमारी और आप सबकी अच्छी वाली चैनल जिस पे मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, उसका नाम है केबी कॉमर्स नॉट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, वरना अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से क्या होती जाएगी, चली जाएगी। और लास्ट में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरे, आपके और हम सब जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो सबको हेल्पफुल होगा ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट में वीडियो में मैं रेलवे की इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मैं जाता हूँ, और आप सब लोगों को अच्छे से रहो, खुश रहो और हमारी चैनल को देखते रहो। गुड बाय दोस्तों।